देखिए न्यूमरोलॉजी की जो कैलकुलेशन है वो दो चीजें होती हैं, एक पर्सनालिटी नंबर जो जिस डेट को हम पैदा हुए हैं ऑलमोस्ट इसकी जो प्रेडिक्शन है वो ज्योतिष जैसे ही आती है, एक नंबर जो होता है वो हमारा बहुत ज्यादा रूल चलाने वाले होंगे, बहुत अपने फादर को प्यार करने वाले होंगे। अगर दो की बात करूं उनकी जो मैरिड लाइफ होती है, जो उनकी लव लाइफ होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हमेशा होती है। जो चार नंबर होता है वो हमारा राहु का होता है, बहुत दिमाग चलाते, ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत काम खराब करते हैं। जिनका पर्सनैलिटी नंबर फोर होता है वो 40 ईयर्स के जब तक नहीं होते हैं वो प्रोग्रेस नहीं करते। पांच जो होता है वो बुध का नंबर होता है मरकरी। अगर किसी की लाइफ की गाड़ी पटरी से उतर रही हो तो इनको ही अप्रोच लोग ऑलमोस्ट करते हैं कि भाई चीजों को ठीक करो, क्योंकि इनके पास वो स्किल्स होती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का अध्ययन करके उसके बाद भविष्य की जानकारी दी जाती है, उसी तरह न्यूमरोलॉजी में भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मूल्यांकन कर उसकी जानकारी दी जाती है, उसमें रेमेडीज बताई जाती है। साथ ही न्यूमरोलॉजी काफी साल पुराना भी है। इसी के साथ हमारे साथ आज चर्चा में खास मेहमान मौजूद है, आचार्य डिंपल। नमस्ते मैम, आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी के बारे में जानकारी लोगों को कमी है, थोड़ी अवेयरनेस भी कम है। पहले आप ये बताइए कि आप एक्सपर्ट कैसे बनी, आचार्य कैसे बनी न्यूमरोलॉजी के लिए, और आपने कहाँ से सीखा, कैसे आपकी जर्नी रही अभी तक, सफर के बारे में कुछ बताइए। इंटरेस्ट के ऊपर होता है सब कुछ। मेरा इंटरेस्ट था शुरू से ही, बहुत सारी चीज़ें करी हैं जिसमें न्यूमरोलॉजी मेरा फेवरेट टॉपिक है, मतलब जिससे मैं ज़्यादातर लोगों की हेल्प करती हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में टाइम वगैरह सब चाहिए होता है। बहुत सारे ऐसी जनता है जिनके पास टाइम अवेलेबल नहीं होता, प्लेस होता है बट राइट टाइम, कभी कभी डे का भी फर्क पड़ जाता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें खाली डेट ऑफ बर्थ अगर पता हो तो हम एनालिसिस करके कॉम्बिनेशन से बहुत लोगों की लाइफ के बारे में बहुत, मतलब 95% मैं कहती हूँ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल उनकी लाइफ कैसे रह सकती है। तो मैम न्यूमरोलॉजी होती क्या है आपके हिसाब से, और ये कहाँ से आए? न्यूमरोलॉजी तो ऐसे तो बहुत ही सालों पुराना एक हमारा मेथोलॉजी है, ठीक है। कम से कम 10,000 साल हम पीछे जाएं अगर तो न्यूमरोलॉजी का आविष्कार तब हुआ, तब इसकी खोज हुई। एक कछुआ कहते हैं जो इसकी हिस्ट्री है कि एक कछुआ निकला, उसके पीठ पर लोशु ग्रिड बना हुआ था, उसको किसी ने देखा और उसको आइडेंटिफाई किया, उसको रिसर्च किया, उसके बेसिस पे जो नंबर की जो प्लेसमेंट्स थी उससे ग्रहों को कनेक्ट किया और फिर देखा कि लोगों के साथ जो चीज़ें हैं वो सही हो रही हैं, वो जो ग्रहों के नंबर्स के अकॉर्डिंग जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल ठीक ठीक बैठ रही हैं। तो ऐसे करते करते बहुत प्रचलित हो गया ये, और ये बहुत ही हेल्प करने लग गया लोगों को। तो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी जो है लोगों की हेल्प करती है, और थोड़ा सा इजी टास्क होते हैं उसमें, जो रेमेडीज बताई जाती है थोड़ा इजी वे में होती हैं। तो आजकल की जो बिजी जनता है वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ उपायों में नहीं जाती कि वो पाठ करे या फिर कंटिन्यूसली किसी उपाय को फॉलो करें, तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग थोड़े उपाय जो होते हैं थोड़े ईजी वे में होते हैं, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो कर लिए जाएँ। मैम जो ये न्यूमरोलॉजी जो का जो कैलकुलेशन होता है ये किस बेसिस पर होता है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है, प्लेस के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, देखिए न्यूमरोलॉजी की जो कैलकुलेशन है वो दो चीज़ें होती हैं, एक पर्सनैलिटी नंबर, ठीक है, जो जिस डेट को हम पैदा हुए हैं। जैसे अगर कोई 12 सितंबर को पैदा हुआ है तो उसका जो पर्सनैलिटी नंबर हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब जो ईयर है उन सबका टोटल करके मीन्स कुछ भी बन रहा है अगर, तो उसका जो पर्सनैलिटी नंबर 1992 बन रहा है मान लीजिए, तो अब इन सबका अगर टोटल किया जाए 1 + 3, 3 + 9, ठीक है, 12 हुआ, 12 फिर 9 को हम छोड़ देते हैं, 9 को कैलकुलेट नहीं करते हैं, 1992 आपने बताया तो 3 और ऐड हो जाएगा, तो 12 में और 3 ऐड हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन जो है 15 का भी अगर सॉर्टिफाई करें तो वो 6 हो गया, ठीक है। तो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो पर्सनैलिटी नंबर जो हुआ वो 3 हुआ, और जो डेस्टिनी नंबर है वो हो गया हमारा 6, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन, तो ऐसे कैलकुलेशन होती है, इनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं। Okay. इनके टोटल 81 कॉम्बिनेशन होते हैं, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट अगर बहुत एक्यूरेट जो लोग प्रिडिक्ट करते हैं उनके पास ये कॉम्बिनेशन हमेशा अवेलेबल होते हैं। और ये
बहुत ज्यादा ज्योतिष से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसकी जो प्रेडिक्शन है वो ज्योतिष जैसे ही आती है, बट ज्योतिष में जो मूवमेंट बेसिस जो प्रेडिक्शन आती है, आवर्स बेसिस, डेज बेसिस आती है, उससे थोड़ा सा ये इतना एडवांस नहीं होता, बट हाँ एक्यूरेट बैठती है ये बिल्कुल। मैम जैसे बात की जाए न्यूमरोलॉजी की, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि जो भी लोग है ना अपने न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना चाहेंगे तो अपना बताएंगे, जैसे कि आपने बताया कि ऐसे की जाते, किसी का मान लीजिए 1 तारीख को बर्थडे हुआ तो उसका मूल्यांक 1 हो गया, 2 हो गया 3 हो गया, वैसे ही 10 को हुआ तो 1 हो गया 11 तो 2 हो गया, ऐसे ही होता है, राइट? सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल। तो मैम 1 से लेके 9 तक के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। एक नंबर, देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये बताने में, और मुझे मौका मिल रहा है मैं जरूर बताऊंगी। जैसे कि 1 नंबर जो पर्सनैलिटी नंबर के लोग होते हैं, 1 नंबर जो होता है वो हमारा सन से को रिप्रेजेंट करता है। सन, अब सन कैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा फादरली एक फिगर होता है, डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। इस टाइप से जो लोग सन से ड्राइव होंगे वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा रूल चलाने वाले होंगे, बहुत अपने फादर को प्यार करने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा सम्मान उनको समाज में मिलेगा। तो इस टाइप के हो गया। अगर 2 की बात करूँ तो जिसका मूल्यांक 2 बनता है वो चंद्रमा से ड्राइव होगा, और चंद्रमा कैसा होता है, चंद्रमा जो होते हैं हमारी मदर होती है, ठीक है। चंद्रमा वाटर भी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस जो बंदे का बिहेवियर है, जो नेचर है, वो थोड़ा सा चंद्रमा जैसे 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है, तो उनके जो मूड स्विंग्स होते हैं वो उसी अकॉर्डिंग होते हैं। और फिर उसका जो थोड़े से मूडी टाइप के लोग होते हैं, और बहुत केसेस में देखा गया है कि उनकी जो मैरिड लाइफ होती है, जो उनकी लव लाइफ होती है, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हमेशा होती है। वो बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में सोचते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। और ऐसे लोगों का देखा गया है कि वो थोड़ा आगे जाके उनकी थोड़ा सा याददाश्त से रिलेटेड उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे नंबर 2 के बारे में। नंबर 3 के मैं बात करूँ तो नंबर 3 जो होता है वो हमारा बृहस्पति का होता है, ठीक है। बृहस्पति जो होते हैं देव गुरु होते हैं, तो देव गुरु कैसे होते हैं, वो डेफिनेटली बहुत नॉलेजेबल होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति मानते हैं हम कि बहुत ज़्यादा चाहे एजुकेटेड ना हो, क्योंकि एजुकेशन का ट्रेंड जो है अभी कुछ मतलब कुछ दशकों से चला है, लेकिन जो पुराने लोग हुआ करते थे वो इतने एजुकेटेड नहीं होते थे, बट कहा जाता है अगर 3 उनका मूल्यांक बन रहा होता है तो वो नॉलेजेबल बहुत होते थे, मतलब आपको अच्छी सलाह देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। और जो 4 नंबर होता है वो हमारा राहु का होता है। अब राहु कैसा होता है, वो तो राक्षस है, वो हेड वाला जो पार्ट है राक्षस का वो है, तो डेफिनेटली जो उनका जो ब्रेन होता है वो ओवर एक्टिव होता है, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, बहुत दिमाग चलाते, ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत काम खराब करते हैं। और जो जिनका पर्सनैलिटी नंबर 4 होता है वो 40 ईयर्स के जब तक नहीं होते हैं वो प्रोग्रेस नहीं करते, उनकी लाइफ जो है प्रोग्रेस के अराउंड ही घूम रही होती है वो, बट बहुत मेहनती होते हैं। एक शॉर्ट स्कीम होती है ना, एक मतलब रिच बनने की शॉर्ट स्कीम, फेमस होने की शॉर्ट स्कीम, वो शॉर्ट स्कीम उनके लाइफ में लॉटरी जैसी चीज़ें कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। जब तक वो अपना खून पसीना नहीं बहाएंगे वो सफल नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 की। 5 जो होता है वो बुध का नंबर होता है मरकरी। 5 नंबर जो होता है बैलेंसिंग का नंबर होता है, ठीक है। बहुत ही रोमांटिक होते हैं ऐसे लोग, बहुत कहा जाता है कि जहाँ जाते हैं वो उनके रंग में रंग जाते हैं। तो बहुत बैलेंसिंग का नंबर होता है। सिटिंग जॉब ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत रोमांटिक होते हैं और बहुत बैलेंस होते हैं। इनकी लाइफ में सुख दुख जो है बहुत ही लिमिटेड आता है, लिमिटेड चला जाता है। ऐसा नहीं है कि दुखी है तो दुखी है, बहुत सालों से दुखी है इनके, मतलब अप एंड डाउन चलते रहते हैं। अगर किसी की लाइफ की गाड़ी पटरी से उतर रही हो तो इनको ही अप्रोच लोग ऑलमोस्ट करते हैं कि भाई चीज़ों को ठीक करो, क्योंकि इनके पास वो स्किल्स होती हैं, ये सामने वाले को समझा के चीज़ों को ठीक करने में बड़े माहिर होते हैं। बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब करते हैं, ठीक है। और आलसी होते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत आलसी होते हैं लोग, ठीक है। और अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 जो है 3 के बिल्कुल अपोजिट, ये राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य का नंबर होता है, ठीक है। शुक्राचार्य का ये कलयुग है, शुक्राचार्य प्रधान मानते हैं इसको, क्यों? क्योंकि हमें गाड़ी घोड़ा बंगला लग्जरी ये सब शुक्र ही देगा, मतलब भोग विलास की जो चीज़ें हैं वो शुक्र ही देते हैं, ठीक है। तो ये लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर होते हैं,
इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडिंग, ब्रांडेड चीजों से डील करना, बहुत बहुत हाई फाई चीजों को बहुत घूमना फिरना इनको बहुत पसंद होता है। झूठ बहुत अच्छे से बोलते हैं, अपनी बात सामने वाले को कैसे चाशनी में लपेट के चिपकानी है इनको बहुत अच्छे से आता है। इतने रिस्पॉन्सिबल, फैमिली को बहुत प्यार करते हैं लोग, ठीक है। अगर फैमिली में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है, तो अगर वो छोटे भी होंगे ना घर में, तो उनसे पूछा जाएगा कि तेरे रहते ये काम कैसे हो गया, मतलब ऐसे होते हैं ये लोग, ठीक है। अब आता है सात नंबर की बारी। सात नंबर जो होता है केतु का नंबर होता है, जिनका भी मूल्यांक सात होता है वो केतु से ड्राइव होते हैं, ठीक है। केतु जो है धड़ पार्ट होता है राक्षस का, जो समुद्र मंथन के टाइम में जिनकी गर्दन कट गई होती है, और धड़ वाला पार्ट होता है ये। तो इनके पास बुद्धि नहीं होती है, लेकिन इनको भगवान की इतनी कृपा होती है कि ये एनालिसिस करने में चीज़ों को बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इनको विजडम का नंबर माना जाता है, इनको बहुत बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने ऐसा वरदान दिया होता है कि भाई दिमाग नहीं है तो कुछ तो होना चाहिए उसके पास, तो वो विजडम होता है, हर समय भगवान की रक्षा करता है। बहुत ही एनालिटिकल होते हैं ये लोग, बहुत अच्छी रिसर्चर होते हैं ये, ठीक है। लेकिन इनको ना लाइफ की चार फील्ड में धोखा जरूर मिलता है। देखो, एक तो लव लाइफ, अगर बच गए तो ठीक है, धोखा मिला तो फिर गए। उसके बाद मैरिड लाइफ जो आती है, या तो उनको उसमें धोखा मिल जाएगा, अगर उसमें भी बच गए तो फाइनेंशियल्स में कहीं मिल जाएगा, और फाइनेंशियल्स इन तीनों से बच गए तो इनकी हेल्थ इनको धोखा दे जाएगी, ऐसा माना जाता है, और 95% ऐसा देखा भी गया, ठीक है। तो लेकिन और दूसरा ये है कि बट ये उपाय वगैरह करें तो ये सेफ भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिमोरलाइज हो जाए कोई, लेकिन बहुत अच्छे नेचर इनका बहुत अच्छा था, इनके कोई दुश्मन नहीं होता है, ठीक है। और इनको ये कहा जाता है कि कभी भी ये जिस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं ना, वही लोग इनको धोखा देते हैं, हमेशा हमेशा ये देखा गया है। अब बात करते हैं नंबर आठ की, ठीक है। नंबर आठ जो होता है शनि का होता है, सबसे खतरनाक मुझे तो ये नंबर लगता है, क्योंकि ये लोगों को इतनी मेहनत इनकी ज़िंदगी में लिखी होती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है इनको, खून पसीना ये जब तक नहीं बहाएंगे इनको कोई भी सफलता नहीं मिलती। लेकिन इनका जो नेचर है, अब शनि है तो सोचने वाली बात है कि इनका नेचर कैसा हो सकता है। इनका नेचर ऐसा होता है कि बाल की खाल बहुत निकालते हैं, मतलब एक छोटी सी बात होगी उसको इतना खींचेंगे, मतलब इनकी जो है ना रिलेशनशिप वाली जो ज़िंदगी होती है बहुत ही खतरनाक होती है, इनकी किसी से भी नहीं बनती, बहुत कम इनके दोस्त बनेंगे। जो जीवन साथी होते हैं उससे तो बहुत ही रेयर मतलब बनती है, लेकिन ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाती, चीज़ें चलती हैं, फिर थोड़े से अप एंड डाउन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बहुत बातों को खींचना, बातों की तह तक जाना, जैसे कहीं जाना है तो हम बोलेंगे कि ठीक है चलते हैं, लेकिन वो है तो वो 36 सवाल कर देगा कि कहाँ है, ठंड है, गर्मी है, क्या लेके जाना है, कैसे जाना है, कहाँ कैसे जाएंगे, कितनी देर में पहुँचेंगे, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और इनकी भी लाइफ में कोई भी शॉर्ट वाली स्कीम नहीं चलती है, इनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना बहुत बहाना पड़ता है। ये शनि का नंबर हो गया। अब लास्ट जो है हमारा 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर है मंगल, ठीक है। मंगल से जो लोग ड्राइव होते हैं, डेफिनेटली जो मंगल है वो आग का गोला होता है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही गर्म दिमाग के लोग होते हैं ये, ठीक है। अब इनकी हाँ में हाँ जो नहीं मिलाता है वो इनका इनसे उनकी नहीं पटरी खाती, ठीक है। इनसे जिनकी बनती है वो उनके माँ बाप के अलावा इनकी बहुत ज़्यादा किसी से बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि हर माँ बाप को पता है कि हमारा बच्चा कैसा है, ठीक है। इनकी हाँ में हाँ मिलाओगे तो ठीक है, अदरवाइज तू कौन मैं कौन। और दूसरा, इनका जो मैरिज वाला सेक्टर होता है ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। इनको मैरिज वाले पार्ट से हमेशा इनको प्रॉब्लम रहेगी, कुछ ना कुछ ऐसे ही होंगी कि मतलब चीज़ें होंगी इनकी, मतलब शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ नहीं चलती, ऐसा है, पता नहीं, मतलब पता नहीं का मतलब मंगल की वजह से ये सब होता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका जो जीवन साथी आएगा वो आपको आपकी हाँ में हाँ ही मिलाए। 9 नंबर की एजुकेशन की बात की जाए तो ये जो पुलिस महकमा होता है, मिलिट्री वाले होते हैं, ठीक है, ये मतलब जो सुरक्षा करने, क्योंकि जो मंगल है वो सेनापति है, सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, ठीक है। तो सेनापति कैसा होता है, जहाँ पे रक्षा करनी है, प्रोटेक्शन करने से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होंगी, सिक्योरिटी वाली चीज़ें हो गई है ना, और ये
पुलिस महकमा हो गया आपका, इन सब चीज़ों में मिलिट्री हो गई, उनमें ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मैम अगर बात की जाए तो 9 नंबर तक आपने बता दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ आचार्य डिंपल्स मैम, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।